हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर आर एस मौर्य एंड वी आर अगेन हैविंग पार्टिसिपल। स्टडे आई हैड लेक्चर ऑन पार्टिसिपल। आई टोल्ड कि व्हाट पार्टिसिपल इज एंड हाउ वी कुड अंडरस्टैंड पार्टिसिपल एज ए पार्ट ऑफ an item to grammar. So today we'll see the uses of participle. Where can we use participle? So let us look into it. Participle is used attributively. That is, for example, a rolling stone. Stone क्योंकि ये adjective है, ये verbal adjective कहलाता है participle, तो ये stone को modify करता है, rolling stone, a rolling stone. And we have another thing, a wheeling horse, a fallen tree. इसको अब देखिए, टी को ये मॉडिफाई करने के लिए ये आया फॉलन, तो ये सब ये फॉलन टी। और इस तरह से बहुत से उदाहरण आप पा सकते हो, जैसे विदर्ड फ्लावर मतलब होता है छिन्न भिन्न हुआ, ये विदर्ड फ्लावर है, विदर्ड फ्लावर। और a lost opportunity, तो हम आप देख सकते हैं किस तरह से इसका उपयोग करते हैं। a lost opportunity जो है ये past participle है, तो इस तरह से ये मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन कैसे मॉडिफाई करता है, तो एक तो इस तरह से इसका यूज करते हैं कि इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली। और दूसरा है प्रेडिकेट, मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाया था, तो प्रेडिकेटिवली का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने बताया था, इसको भी आप देख लो। जैसे वी फाउंड हिम स्लीपिंग, अब देखिए यहाँ पर स्लीपिंग जो है ये पार्टिसिपल है। ही बिकेम अलार्म। अब ये पास्ट पार्टिसिपल है अलार्म, ये और इसका यूज जो है प्रेडिकेटिवली हुआ, सब्जेक्ट के बाद जो है प्रेडिकेट आता है, तो इसको प्रेडिकेटिवली इसको कहते हैं, ये बाद में रखे जाने वाले को प्रेडिकेटिवली कहते हैं। तो हमने देखा कि जो ये पार्टिसिपल है इसका दो प्रयोग होता है, पहले तो आर्टिफिशियली, रोलिंग स्टोन और फॉलन टी,
लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, विदर्ड फ्लावर, ये सब जो है ये सब आर्टिब्यूटिवली है। और प्रेडिकेटली है वी फाउंड हिम स्लीपिंग इधर एलार, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल। ओके, नाउ वी मूव टू थर्ड यूज। थर्ड यूज कहते हैं ये एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिंग एब्सोल्यूट, ऐसे इसको कहा जाएगा एब्सोल्यूटली, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली मतलब होता क्या है? एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली वो होता है विच स्टैंड्स एलोन, इसका मतलब होता है विच स्टैंड्स एलोन, विच स्टैंड्स एलोन, और या इट हैज नथिंग टू डू विथ अदर वर्ड्स, इट हैज नथिंग टू डू विथ अदर वर्ड्स, विथ अदर वर्ड्स। तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट, विच स्टैंड्स एलोन, जो बिल्कुल अकेला हो और जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो, और विच ए नाउन आर प्रोनाउन गोइंग बिफोर, विच ए नाउन आर प्रोनाउन गोइंग बिफोर, विच ए नाउन आर प्रोनाउन गोइंग बिफोर, ये जो है ये एब्सोल्युटली मतलब ये पार्टिसिपल जो है एब्सोल्युटली, इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसको बोलते हैं। अब इसके उदाहरण को हम देखेंगे, इसके उदाहरण को हम देखते हैं। तो जस्ट सी, एब्सोल्युटली मतलब होता है जो बिल्कुल अकेला हो और उसका संबंध किसी दूसरे वर्ड से नहीं हो, ये पार्टिसिपल जो है एब्सोल्युटली भी प्रयोग होता है, कैसे होता है देखते हैं। एब्सोल्युटली प्रयोग होता है जैसे गॉड विलिंग, गॉड विलिंग, ये भी गॉड विलिंग, और वेदर परमिटिंग, वेदर मतलब होता है मौसम, वेदर परमिटिंग, वेदर परमिटिंग, और इट बीइंग फाइन, इट बीइंग फाइन, इट बीइंग फाइन, द सन हैविंग राइजिंग, द सन हैविंग राइजिंग, ये सब जो है ये एब्सोल्यूट है और इसका कोई दूसरे से कोई मतलब नहीं है। गॉड विलिंग भी एब्सोल्यूट है, वेदर परमिटिंग, इट बीइंग फाइन, हम इसका मतलब आपको बता देते हैं। द सन हैविंग राइजन, सूर्य निकलने पर, सूर्य निकलने पर, द सन हैविंग राइजन, सूर्य निकल चुका है, अब ये पार्टिसिपल होगा, द सन हैविंग राइजन, गॉड विलिंग इसका मतलब होता है अगर भगवान चाहे तो, भगवान की मर्जी से, या भगवान चाहे तो, गॉड विलिंग
वेदर परमिटिंग अगर मौसम ठीक ठाक रहा, वेदर परमिटिंग अगर मौसम ठीक ठाक रहा, इट बीइंग फाइन डे भी हो सकता है, इट बीइंग फाइन यस अच्छा रहा तो, इट बीइंग फाइन मींस अच्छा रहा, इट बीइंग फाइन डे भी होता, दिन अच्छा रहा तो, लेकिन इसीलिए कंप्लीट है ये जो एब्सोल्यूट है इसी में। अब आप इसमें जोड़ सकते हो द सन हैविंग राइजन दे सेट ऑफ मतलब होता है शुरू किया अपना जर्नी, शुरू दे सेट ऑफ देयर जर्नी, तो सूर्य उगने पर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। गॉड विलिंग अगर भगवान ने कहा वी शैल हैव अनदर कार, भगवान ने चाहा तो दूसरी कार भी हम लोगों के पास होगा, मतलब कि दूसरी लेकर एक तो है दूसरी कार भी हम लोग खरीद लेंगे, तो गॉड विलिंग वी शैल हैव अनदर कार। वेदर परमिटिंग मौसम सही रहा तो क्या करोगे, वी शैल गो फॉर वॉक, अगर मौसम सही रहा तो वी शैल गो फॉर वॉक, गो फॉर वॉक और इट बी फाइन, अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो इट बी फाइन है, आप क्या करोगे इट बी फाइन है वी गेट आउट बाहर घूमने जाएंगे आउटिंग। तो ये जो है एब्सोल्युटली इसको कहते हैं कि इस तरह से जैसे द सन हैविंग राइजन दे सेट ऑफ देयर जर्नी, गॉड विलिंग वी शैल हैव अनदर कार, वेदर परमिटिंग वी शैल गो फॉर वॉक, इट बीइंग फाइन वी वेंट आउट। तो इस तरह से देखते हैं कि एब्सोल्युटली भी इसका प्रयोग यहाँ तीसरे नंबर पर एब्सोल्युटली का प्रयोग हो सकता है, ऐसे प्रयोग करते हैं। अब चौथा एक है इसको कहते हैं, ये प्रीपोजिशन भी होता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे इम्पर्सनल एब्सोल्यूट, इम्पर्सनल एब्सोल्यूट। चौथा जो प्रयोग है इम्पर्सनल, इम्पर्सनल एब्सोल्यूट इसका क्या मतलब होता है, इम्पर्सनल एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि व्हेन नो नाउन और प्रोनाउन इज प्लेस्ड बिफोर ए पार्टिसिपल, जब कोई नाउन या प्रोनाउन जो है पार्टिसिपल के पहले नहीं होता है तब उसको बोलते हैं पर्सनल एब्सोल्यूट। और ये प्रैक्टिकली चीज है प्रीपोजिशन, प्रैक्टिकली इट वर्क्स एज अ प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन जैसा काम करता है, ये जो है प्रीपोजिशन जैसा काम करता है, जैसे आईएनजी में पार्टिसिपल लगाइए, जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये प्रीपोजिशन जैसा आप लिख दिया ठीक, तो हम देखते हैं कि जैसे ओविंग टू ड्यू टू ओविंग टू owing to his illness bimari ki wajah se, to owing to his illness ab kya hua iske baad he couldn't appear,
इसके लिए ही कुडंट गो आउट, ही कुडंट गो आउट ओइंग टू हिज इलनेस। तो ये जो है प्रीपोजिशन का काम करता है, ओइंग टू हिज इलनेस। तो ही कुडंट, और भी एक आध दो एग्जाम्पल आपको देते हैं, ओइंग टू, सपोजिंग दिस इज टू बी ट्रू, सपोजिंग दिस इज टू बी ट्रू, सपोजिंग दिस इज टू बी ट्रू, तो इसके आगे भी हम लोग कर सकते हैं, सपोजिंग दिस इज टू बी ट्रू, ही इज सर्टेनली इनोसेंट, ही इज सर्टेनली इनोसेंट, सपोजिंग दिस इज टू बी ट्रू कॉमन, ही इज सर्टेनली इनोसेंट, और ओइंग टू स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, स्पीकिंग कॉन्फिडेंसली, तो स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, और फिर स्पीकिंग ओइंग टू हिज इलनेस आप लिख सकते हो, ओइंग टू हिज लेमनेस, लंगड़ेपन, लेमनेस। तो इन दिस वे यू ऑल्सो यूज पार्टिसिपल। अब हम देखेंगे कि पार्टिसिपल जो है वो कौन कौन से मीनिंग को इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई का मतलब होता है इसके कौन किस चीज़ के मीनिंग को ये दर्शाता है, किस चीज़ को इसके मीनिंग को दर्शाता है, व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग इट शोज टू अस। तो ये टाइम बताता है, इम्प्लाइड मीनिंग, मतलब ये जो होता है इसमें इम्प्लाइड मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग जो है उसमें ये समय बताता है, समय नंबर वन, नंबर टू समय, टाइम, काज, कंडीशन, काज मतलब वजह का या रीजन, कंडीशन ये शर्त बताता है, और चौथा जो है कंसेशन या कंट्रास्ट बताता है, कंसेशन या कंट्रास्ट बताता है, कंट्रास्ट मतलब विरोध, कंसेशन या कंट्रास्ट। तो ये बताता है, टाइम बताता है, काज या रीज़न बतलाता है, और फिर ये बताता है कंडीशन और कंट्रास्ट बतलाता है। तो इन सबों का भी हम उदाहरण देख लें तो अच्छा होगा कि इसमें क्या क्या मीनिंग है, टाइम में क्या बताता है और काज में, जैसे टाइम की looking through some old papers, looking through some old papers time, looking through some old papers looking through the old papers yes I came across this letter। अब इसका मतलब हो गया,
लुकिंग थ्रू द थ्रू सम ओल्ड पेपर्स, इसका मतलब जब मैं कुछ पेपर्स को देख रहा था, जबकि जबकि ये वाइल टाइम रहता था, वाइल मतलब जबकि जबकि मैं सब ये पेपर देख रहा था, वाइल वाइल जबकि हम कुछ पेपर को देख रहे थे तो हमको ये पत्र प्राप्त हुआ, आई केम अक्रॉस विद दिस लेटर। तो ये समय बताता है कि जब हम ये चीज़ देख रहे थे तो आफ्टर बिफोर वाइल ये बताता है पार्टिसिपल। एक तो ये समय बता सकता है इम्प्लाइड मीनिंग में, और दूसरा बताता है रीजन बताता है वजह वजह। तो वजह में आपको अभी बताया था, एक और उदाहरण बता देते हैं, बीइंग टायर्ड being tired he said being tired he sat down to rest he sat down to rest being tired matlab thakan ki wajah se being tired he sat down to rest थकान की वजह से, कि ये वजह बताता है, रीजन या काज बताता है। तो ये रीजन या काज बताता है, और फिर ये कंडीशन भी बताता है, जैसे कंडीशन भी बताता है, जैसे अभी एक पता था गॉड विलिंग God willing, we shall have another car, ne? We shall have another car. We shall have another car next year. We shall have another car. Car next year. अगर भगवान चाहे तो अगले साल एक और कार होगी। अगर भगवान ने चाहा, God willing मतलब if God wishes. If God wishes, तो God willing, तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं। और एक और आपको उदाहरण देते हैं, contrast, admitting what you say, I still think that you made a mistake. Admitting, contrast होगा, contrast में विरोध होता है, विरोध होता है, जैसे एडमिटिंग व्हाट यू से एडमिटिंग व्हाट यू से एक क्लास हो गया, एडमिटिंग व्हाट यू से एडमिटिंग व्हाट यू से आई विल थिंक दैट यू मेड अ मिस्टेक admitting what you say, आप जो कह रहे हैं उसको मानते हुए हम ये कह रहे हैं, कहेंगे कि आपने मिस्टेक किया, आपने गलती किया। एक तरफ जो हम एडमिट कर रहे हैं दूसरे सब आपको दोषी भी ठहरा रहे हैं, इसलिए ये कंट्रास्ट होगा। तो कंट्रास्ट होने से इसको बोलते हैं कंट्रास्ट, कंसेशन और कंट्रास्ट। तो पार्टिसिपल जो है कंट्रास्ट का की भी मीनिंग देता है। तो गाइस ये जो
पार्टिसिपल्स के यूजेस में ये हमने आपको बताया. विल अगेन सी द एरर्स इन यूजिंग पार्टिसिपल एडवर्ब्स. सो विल गो वन टू लेक्चर मोर रिगार्डिंग पार्टिसिपल आर non finite verbs. So that's all for today. Okay, thank you.